मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नुमाइश ग्राउंड निकट सर्किट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें 200 जोड़े पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधे। इन जोड़ों में 180 जोड़े हिंदू तथा 20 जोड़े अल्पसंख्यक वर्ग के रहे। महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, संत प्रताप, संगीता यादव, पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि अब प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने 35,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है, जिसमें 35,000 रुपये कन्या के खाते में, 10,000 वैवाहिक सामग्री तथा प्रति जोड़ों के विवाह आयोजन के लिए शेष रुपये 6,000 की व्यवस्था की गई। इस योजना से विवाह उत्सव में अनावश्यक अपव्यय प्रदर्शन पर रोक लगेगी तथा दहेज के कलंक से भी मुक्ति मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शादी किए जोड़े व समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि और महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। अरे यार, योगी सरकार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं यार। सर सर वाइट नहीं है, सस्पेक्ट है या किसी कारण से रुका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी में एक बैग मिला है और इसमें बर्तन है और ये थोड़ा खोल के नहीं देखे हैं कि इसमें क्या क्या है। शादी से बहुत खुश हैं। गीता योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या मिला है आपको सामान? बैग है और वो बर्तन है और ये सिंगारदानी है और एक मोबाइल है छोटा सा। शादी तो पूछा है आपको? हाँ। राजकुमारी आदित्यनाथ। क्या क्या मिला है सामान आपको? बोलो बोलो। अचाटी मिलल बाटे आ ड्राम आ थारी बाटे। अटैची बिछुआ पायल बोलो। हाँ बा बिछुआ पायल। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिस प्रकार से सभी जनपदों में 150 जोड़ों का शादी का लक्ष्य रखा था शासन ने, आज एक ही तिथि निर्धारित की थी, 9 फरवरी। 9 फरवरी को पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में 150 शादी करने का लक्ष्य निर्धारित था, उसके तहत 201 जोड़ों की शादी जनपद गोरखपुर में सम्पन्न हुई है आज। देखिए अभी तक जो धनराशि 35,000 रुपए की मिला करती थी उसको शासन ने बढ़ा करके अब 51,000 रुपए कर दिया है। 51,000 रुपए की धनराशि में जो धनराशि 35,000 रुपए की तो धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित होगी, इसी प्रकार से 10,000 रुपए का सामान और 5,000 रुपए व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से कुल 6,000 रुपया व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से कुल 51,000 रुपए की धनराशि व्यय हो रही है। सामानों में क्या क्या दिया? सामानों में बर्तन दिया गया है 6 सेट का पूरा सेट, उसमें गिलास अलग से है, जग है, थाली है,
प्लेट है, चम्मच है, कटोरी है, प्लेट्स छोटी हैं। इसके अलावा एक ड्रम दिया गया है पानी का, तो 6 सेट पूरा कंप्लीट दिया गया है। एक लोटा दिया गया है, तो ये बर्तन में दिया गया है। चांदी की पायल, चांदी की अंगूठी, रेमंड का एक पैंट शर्ट बच्चे के लिए, 2 साड़ियाँ बेटियों के लिए, ये सब सामान दिए गए हैं। इसके अलावा एक अमेरिकन टूरिस्टर का ब्रीफ केस भी दिया गया है। हमारे सरकार जनहित में बहुत सारे काम कर रही है, उसी में गरीब बेटियों की शादी कराने का भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है। और इस कार्यक्रम में जो आज संपन्न हुआ है, इसमें 201 जोड़ों की शादी हुई है। प्रति जोड़े को 35,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, 5,000 खर्च हुए हैं। इसके अलावे उनको बर्तन दिए गए हैं, ब्रिस्ट केस दिए गए हैं, कपड़े दिए गए हैं। मैंने एक जोड़े पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 51,000 रुपये उन पर व्यय किए हैं। 201 जोड़े की हुई है, आगे भी रजिस्ट्रेशन चालू है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, अगली तिथि घोषित की जाएगी और कोई भी बेटी उत्तर प्रदेश में बिना शादी के नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की मंशा है, मोदी जी की मंशा है कि कोई बेटी बिना पैसे के अभाव में, शादी के बिना वंचित रह जाए। आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। शादी में कोई जाति भेदभाव नहीं हुआ है, कोई संप्रदाय का भेदभाव नहीं दिया गया है। हर वर्ग के लोग आए हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जोड़ों को भी बड़ी मात्रा में शादी में रहे हैं और उनको उनका निकाह भी कराया गया है। और हर तरह की जो सुविधाएं सबको दी गई है, उन्हें भी दी गई है, कोई भेदभाव नहीं है। और इस काम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है।